बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज खीरे लगाने लगा। खीरे लगाने के लिए मैंने प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया। ये दूसरी दफ़ा मैं रिसाइकल कर रहा हूँ। इसमें जिस किस्म की मिट्टी का मैंने इस्तेमाल किया उसमें 50% कम्पोज और 50% गार्डन सॉइल है। इन दोनों को अच्छी तरह से मैंने मिक्सर तैयार कर दिया। मिक्सर तैयार करने के बाद साथ जो है वो मैंने प्लास्टिक बैग एज अ ग्रो बैग इस्तेमाल किए हैं। मिट्टी फिल करने के बाद इसमें खीरे का बीज लगाते हैं। बीज लगाने का मैं आपको बेहतरीन तरीका लगा दूँ। पहली बात यह कि आपको मार्केट से 40 रुपये का पैक मिल जाता है और इतना सारा बीज होता है कि आप इजीली घर में लगा सकते हो और अच्छा खासा फ्रूट हासिल कर सकते हो। लगाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको फासले में लगाएं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं दो बीज इकट्ठे लगा रहा हूँ। अब दो बीज मैंने रखने नहीं है, इनमें से मैंने एक बीज रखना है और एक तकरीबन 4 इंच के फासले पे या 5 इंच के फासले पे मैंने दूसरा बीज लगाया, उनमें से मैंने एक बीज रखना है, बाकी मैंने उतार दूंगा। और इसको लगाने का बेहतरीन टाइम है कि आप मार्च के महीने में लगाएं। इसी तरह मैंने सारे के सारे साथों के साथों ग्रो बैग में लगाने के बाद इसको पानी दे देते हैं। और पानी जो है देने का बेहतरीन टाइम है कि आप इसको सुबह के वक्त पानी दें या कोई वाटरिंग सिस्टम आप बना लें। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने बहुत सारे बनाए हुए हैं।